हाई एवरी वन वेलकम टू करते हैं हमारा आज का चैप्टर विच इज ए लास्ट चैप्टर ऑफ यूनियन फोर ट्राफिकिंग बेगरी एंड करप्शन तो कम कोशिश करेंगे ये चैप्टर इसी आ, वीडियो में कंप्लीट हो जाए ठीक है जिस जो आज मेरी चैनल को पहली बार देख रहा है पहले मैं उसके लिए बता दू मैं अपनी चैनल पर कोर्सेज लाती हूँ आपका स्पेशलाइजेशन का एंड करंटली जीके का एंड इन दोनों की सेपरेट प्ले बनी हुई है जीके में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं एंड स्पेशलाइजेशन में हमारे चार यूनिट जो हैं कंप्लीट हो गए हैं और फिफ्थ यूनिट का पी जो है सॉरी सिक्स यूनिट का पी जो है दैट इज स्कीम्स वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ ठीक है इन स्कीम्स में जब तक हमारा यूनिट फाइव कंप्लीट हो जाएगा तब तक मैं आपके यूनिट सिक्स जो है वो कंप्लीटली वहाँ पर अपलोड कर दूंगी ठीक है उसके बाद इसका एक सिर्फ एम वीडियो होगा क्योंकि स्कीम्स में कुछ कंसेप्टचल रिलेटेड खास है नहीं फैक्चुअल बातें हैं आप वो स्कीम्स पढ़ेंगे एंड फिर हम एम फॉर्मेट में वो डिस्कस करेंगे ठीक है तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको मेरी चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमसीक्यूज की भी जहां पे हम एमसी डिस्कस करते हैं सोसाइटी के भी एंड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भी तो दिस इज मी कुरत मलिक फ्रॉम कारण आई एम एन एजीरियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशियलॉजी एंड ऑल्सो क्वालिफाइड यूजीसी जी सी नेट सोशलॉजी आईव गॉट सिक्स प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस And any profit, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बेसिकली तो तो आपका टॉपिक ट्रैफिकिंग है ठीक है तो ट्राफिकिंग काफी टाइप्स की होती है उसमें सिर्फ ह्यूमन नहीं आता है ट्रैफिकिंग में आपको ड्रग ट्रैफिकिंग भी आ जाएगा आर्म्स ट्रैफिकिंग भी आता है ठीक है एंड एनिमल ट्रैफिकिंग भी है पर हम इस वीडियो में सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बेगरी है तो आई सपोज इनका मतलब यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही होगा बट स्टिल जो मैं आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी थोड़ी सप्लीमेंट्री नोट्स आपके एग्जाम से पहले उसमें कुछ कुछ एक्ट जो है ड्रग्स आर्म्स एनिमल वगैरह के रिलेटेड वो भी मैं उसमें इन्फॉर्मेशन दे दूंगी वो सिर्फ कुछ फैक्चुअल बातें होंगी ज़्यादा इन डिटेल वो डिस्कशन नहीं होगा इन डिटेल हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ही डिस्कस करेंगे तो ट्रैफिकिंग बेसिकली होता क्या है जिसमें आप कोई जैसे अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है तो आप ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह बेचते हो उनको खरीदते हो मतलब यही ऐसा ही काम करते हो उनके एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए ठीक है तो इसमें क्या क्या चीजें आती है रिक्रूटमेंट ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफर हार्बरिंग और रिसीट ऑफ पर्सन बाई मीन ऑफ थ्रेट और यूज़ ऑफ़ फोर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ कोर्शन फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आप फोर्स यूज़ करके थ्रेट से या कोई और अपना पावर दिखा के आप इंसान को क्या करते हो उनको ट्रैफिक करते हो एक जगह से दूसरी जगह उनको बेचते हो ताकि आप उनको एक्सप्लॉयट कर सको ठीक है एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड्स एट अ मिनिमम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन फोर्स लेबर और सर्विसेज स्लेवरी और प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी लाइक सर्विट्यूड और द रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स तो जो आप एक्सप्लॉयटेशन uh, करते हो तो वो किन चीजों के लिए मोस्टली आप किया जाता है वो एक्सप्लॉयटेशन लोगों की या ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन करती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए फोर्स लेबर के लिए ठीक है जबरदस्ती किसी को अपना गुलाम बना के रखना आपका स्लेवरी सर्विट्यूड सर्विट्यूड इज ऑल्सो रिलेटेड टू इस स्लेवरी जिसमें आप किसी से काम करवाते हो और उनको कोई बाद में पेमेंट वगैरह नहीं होती है वो जिंदगी भर आपके गुलाम बन के रहते हैं या आपको उनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग करनी होती है लोगों की दैट इज़ अ सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ठीक है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए तो इन सारी चीजों के जरिए आप इंसान को एक्सप्लोइड करते हो इसलिए आपको जरूरत होता है कि आप इंसान को बेचो खरीदो ये सारा काम करो तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसका बहुत बड़ा रैकेट चलता है ग्लोबली एंड इसको टैकल करने के लिए हमारे पास काफी चीजें भी हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बायून ओ डी सी यू एन इज योर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम जो मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स हैं ग्लोबली जिनको ट्रैक ट्रैफिकिंग जिनकी की गई थी थे बट ट्रैफिक फॉर सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ठीक है ऑल ये पैटर्न सेम नहीं है सारे रीजन्स में किसी रीजन के लिए किसी रीजन में फोर्स लेबर या स्लेवरी के लिए किया जाता है लेकिन मोस्टली अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मेन रीज़न है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अब जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है हमारी जो आपकी इसमें अफ्रीकन रीजन आता है वहां पर ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा फोर्स लेबर के लिए होती है ठीक है अब जो आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया एंड सेंट्रल सेंट्रल एशिया साउथ एशिया में आपकी कौन सी कंट्रीज आती है आपका इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह एंड सेंट्रल एशिया इज़ योर जो हमारे वेस्ट साइड से आता है इंडिया के जिसमें आपके तुर्किस्तान तुर्कमेनिस्तान आ गया किर्गिस्तान आ गया कजाकिस्तान उजबेकिस्तान ऐसी सारी कंट्रीज़ वहां पर ट्रैफिकिंग होती है फोर्स लेबर के लिए एंड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन के लिए ठीक है तो ये दो चीजें याद रख लेना नियरली नाइन्टी परसेंट ऑफ द जो विक्टिम्स होते हैं सेक्शुअल एक्सप्लाइटेशन के दे आर वेमेन एंड गर्ल्स ठीक है हंड्रेड परसेंट भी गर्ल्स नहीं होती है नाइन्टी परसेंट जो होती है वो फीमेल्स होती है सेक्शुअल एक्सप्लाइटेशन के लिए उनकी ट्रैफिकिंग होती है एंड ऑलमोस्ट टेन परसेंट जो है वो बाकी के जेंडर्स होते हैं ठीक है तो ये थोड़ा बहुत आप देख लो इन द नेशंस यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल एक्शन करने के लिए वो हम प्रिंसिपल्स में रिप्रेजेंट करते हैं उनको फोर पीस बोला जाता है ठीक है उन फोर प्रीज पीस में क्या क्या आता है कि कैसे आपको टैकल करना है इस प्रॉब्लम के साथ आपको प्रिवेंशन करनी है सबसे पहले ट्रैफिकिंग की ट्रैफिकिंग होनी नहीं चाहिए सेकेंडली आपको प्रोटेक्शन देनी है और हेल्प करनी है असिस्टेंस देनी है जो भी विक्टम्स हैं ट्रैफिकिंग के जिनको ट्रैफिक किया जाता है ठीक है उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिर आपको काम करना है आपको प्रोसिक्यूट करना है प्रिपरेटर्स को जो भी इसमें कल्परेट्स हैं उनको आपको सजा देनी है ठीक है और आपको स्ट्रेंथन करनी है पार्टनरशिप टू अचीव दीज दैट मीन डिफरेंट कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कहीं पे प्राइवेट फर्म एंड पब्लिक पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप के साथ आपको काम करना है इस ग्लोबल मैनेस को एंड करने के लिए क्योंकि ग्लोबल इशू है जो पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फोर पीस फ्रेमवर्क फोर पीस और ये दिया था यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ने ठीक है यूनाइटेड नेशन का वो एक एक्शन था अच्छा और एक चीज आप इसमें ध्यान रखना कि ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग सेम नहीं होता है ट्रैफिकिंग स्मगलिंग में भी आप क्या करते हो ट्रांसपोर्ट करते हो गुड्स को एंड पर्सन को ठीक है लेकिन इन केसेस में क्या होता है स्मगलिंग में यूजली लोगों को पता होता है कि दे आर बीइंग स्मगल्ड आप क्या करते हो आप हेल्प करते हो उनको थोड़ा लीगल काम जैसे फेक पासपोर्ट बनाया फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और अब बाहर भेजते गए लोगों को तो दैट इज स्मगलिंग लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं होता दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड दे आर बीइंग ट्रैफिक आप उनको जॉब के लिए बोल रहे हो वहाँ बाहर आपको जॉब मिलेगी वहां जाके उनको प्रोस्टिट्यूशन में के लिए यूज कर रहे हो तो दैट इज ट्रैफिकिंग ठीक है ये डिफरेंस आप क्लियर रखना अब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं ट्रैफिकिंग के देखो अगर मैं स्लाइड में इंक्लूड ना भी करती ना कोई चीजें होती हैं जो आपको अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करनी है सोच समझ के के सॉल्व करनी है ट्रैफिकिंग का आपको पता चल के ट्रैफिकिंग होती है ठीक है अब अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन आते हैं चार तो आपको थोड़ा बहुत खुद से भी सोचना है कि क्या रीजन हो सकता है ट्रैफिकिंग का पॉवर्टी ठीक है क्यों लोग बोलते हैं ऐसे कि नहीं लोगों के पास जा जा, जा के कि हमें जॉब के लिए बाहर भेज दो ठीक है क्योंकि यहाँ पे उनका कुछ हो नहीं रहा होता है वो तैयार होते हैं रिस्क लेने के लिए आप किसी अननोन इंसान पे ट्रस्ट करके कहीं जा रहे हो दैट मींस इसमें रिस्क काफी ज्यादा है बट स्टिल यू ये यू वांट टू टेक दैट रिस्क क्यों क्योंकि आपके पास यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है तो पॉवर्टी इसका बहुत बड़ा कॉज है सेकेंड वन इज सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस जैसे लड़कियों की अपनी सोसाइटी में कम वैल्यू करना लड़कियों को ठीक है तो यूजुअली वो इससे एस्केप करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन से तो वो चाहते हैं कैसे भी करके वो अपने घर से निकले या कहीं जाके उनको सेल्फ रेस्पेक्ट वाली जिंदगी मिले पर उनको पता नहीं होता आगे जाके वो और खाई में गिरने वाले हैं तो ऐसी प्रैक्टिस लैक ऑफ एजुकेशन आप देखो अगर कोई इंसान आता है और आपको बोलता है कि मैं आपको यहाँ भेज दूंगा ये डॉक्यूमेंट्स दो वो डॉक्यूमेंट्स दो आपको ये फायदा होगा ये सारी बातों में आपको फंसाता है जो अब एटलीस्ट एजुकेटेड लिटरेट बोलो या अवेयर इंसान होगा वो समझ जाएगा एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करेगा ठीक है और जो बिल्कुल ही बेचारा अनपढ़ होगा एंड जिसको पता नहीं होगा कुछ भी जो अनअवेयर होगा उसको बस वो वही सपने देखे खुश हो जाएगा कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा फिर ऐसा होगा ऐसा होगा तो वो ये चीज कितनी लीगल है वो उस पर ध्यान नहीं देगा तो इन प्रैक्टिस की वजह से भी उसकी ट्रैफिकिंग जो है वैसे इंसान की आसान हो जाती है पोरस नेचर ऑफ बॉर्डर्स करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशल द इन्वेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स ठीक है अब देखो पोरस नेचर ऑफ बॉर्डर्स क्या होता है ट्रैफिकिंग के लिए इतने लॉज बने हैं लीगली इसको ओवर किया जाता है ठीक है लेकिन फिर भी ट्रैफिकिंग क्यों होती है अगर आप देखो इंडिया और म्यांमार को देखो इंडिया एंड म्यांमार ठीक है तो यहाँ से ये ये आपका इंडिया एक खराब फिगर है तो यहाँ पे आप कैसे म्यांमार है ठीक है अगर आप इनका बॉर्डर देखोगे तो प्रॉपर फेंसिंग नहीं है कहीं पे भी प्रॉपर फेंसिंग नहीं है ठीक है तो कहीं पे क्या किया गया ऐसे वो बोल्डर्स जैसे वो लगा देते हैं ना वो स्टोन का स्ट्रक्चर लगा देते हैं ऐसे करके लगाया हुआ है एंड यहाँ से आपका जंगल एरिया है और यहाँ म्यांमार स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे आपकी जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से आपका इंडिया होता है ठीक है तो ऐसे केसेस में जब बॉर्डर्स ऐसे पोरस होंगे या अगर बांग्लादेश का बॉर्डर देखो तो वो मोस्टली रिवर से कवर्ड है तो उसको रिवरीन बॉर्डर बोला जाता है तो वहां से क्या हो जाता है स्मगलिंग करना ट्रैफिकिंग करना ये कम ईजी हो जाती है ईजी हो जाता है अगर आप कहीं बॉर्डर पे प्रॉपर फेंसिंग हुई हो प्रॉपर सिक्योरिटी हो तो वहां से ट्रैफिकिंग हो ही नहीं सकती ठीक है क्योंकि एक तो एयरपोर्ट से भेजना थोड़ा ज्यादा रिस्की होगा इनके लिए ऑल दो तो वहां से भी होता है बहुत लेकिन ये वाले जो बॉर्डर्स हैं पोरस बॉर्डर जो नेचर है हमारा पोरस मतलब आप इजीली वो बॉर्डर जो है पार कर सकते हो ठीक है वहां पे कोई ऐसी खतरनाक फेंसिंग नहीं हुई है ठीक है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की ऑलमोस्ट अपने सारे बॉर्डर्स के साथ अगर आप इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी देखोगे आपने यहाँ कहीं पढ़ा होगा इंडिया चाइना का बॉर्डर तो वहां भी कोई प्रॉपर फेंसिंग नहीं है तो वहां पे क्या हुआ है वहां पे कहीं पे वो बैनर्स लगाए होते हैं कि यहां से इंडिया है यहां से चाइना है चिप्स के पैकेट सिगरेट के पैकेट ऐसे करके लाइनें बनाई हुई हैं उनको टेल टेल साइंस बोलते हैं टेल टेल साइन से बॉर्डर्स बने हुए तो ये जो पोरोसिटी है बॉर्डर्स की पोरस नेचर से इसकी वजह से भी जो ट्रैफिकिंग है वो ईजी हो जाती है गवर्नमेंट ऑफिशल्स करप्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं ठीक है जो ये सारी चीजें करने में क्या करते हैं यहाँ के गैंग्स के साथ मिलके ये सारा काम जो है वो इजी कर देते हैं माइग्रेशन अगेन आपको कोई बोले मैं आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज दूंगा तो चलो मैं आप मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो मैं आपको दूसरी कंट्री भेजूंगा और वहां जाके उसको क्या करा होगा स्लेव बनाया होगा उसका पासपोर्ट छीन लेंगे ठीक है तो ऐसे सारे काम आपको माइग्रेट करवाते हैं आप अपनी जगह से दूसरी जगह बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हो पर वो एक्चुअली क्या होता है आपके लिए ट्रैप होता है अब इंडिया में कुछ डेटा देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने लॉन्च किया है एक नेशनल लेवल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं क्राइम एक्ट इन द ईयर 2020 क्राइम एक्ट जो है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर है ये क्या करता है इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सिग्निफिकेंट क्राइम्स जिसमें ह्यूमन uh, ट्रैफिकिंग भी आता है ऑन द रियल टाइम बेसिस ठीक है तो आपको याद रखना ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस की भी इंक्लूडिंग बाकी सारे केसेस भी होते हैं लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी उसमें इंपॉर्टेंट है रियल टाइम बेसिस लाइक वो आपको दिखाएगा अभी करंट क्या स्टेटस चल रहा है फिर नेक्स्ट में क्या स्टेटस है ठीक है वो होता है जो आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका क्या नाम है क्राइम एक् एग्जाम में जैसे आपको आ सकता है क्राइम एक् क्राइम एक्ज रिलेटेड टू फिर कोई यहाँ पे जैसे वुमेन एम्प्लॉयमेंट लिखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट लिख दिया होगा ठीक है कोई नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम लिखा होगा और साइबर क्राइम लिखा होगा और एक ऑप्शन आपका इसमें ट्रैफिकिंग भी होगा पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं हमने पढ़ा था सेवन्थ शेड्यूल में यहाँ पे आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा तीन टाइप ऑफ लिस्ट पड़ी थी यूनियन लिस्ट आपकी स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तो जो सब्जेक्ट्स मैंने कहा था आपको यूनियन लिस्ट पे है उनपे पार्लियामेंट लॉ बनाती है जो सब्जेक्ट आपके स्टेट लिस्ट पे है उनपे स्टेट्स बनाती है कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं ठीक है बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो यूनियन यूनियन ने बनाया होगा पार्लियामेंट ने बनाया होगा हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं तो जो पुलिस आता है इन पब्लिक ऑर्डर आता है वो स्टेट के अंडर आता है दैट मीन वो स्टेट लिस्ट में आता है तो उस पर लॉज कौन बनाएगा स्टेट लिस्ट तो फिर इस बारे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टेट लेवल पे काउंटर करने के लिए इस क्राइम को तो वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज के पास पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस क्राइम को प्रिवेंट करने की अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस देख लेते हैं रिलेटिंग रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग इन इंडिया पहला हो गया हमारा आर्टिकल ट्वेंटी जो डील करता है आपके ह्यूमन लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ फोर्स लेबर वगैरह ठीक है अब इसमें आपको एक दो बातें नोट करनी है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो आपका आर्टिकल ट्वेंटी फोर है वो आपके बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड रही है हम डिटेल में पढ़ेंगे ये वाले आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर यहाँ पे देख लो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री डील करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर वगैरह के साथ लेकिन जो आर्टिकल ट्वेंटी फोर है आपका वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन उसके रिलेटेड है ठीक है तो लेबर के रिलेटेड हो गया और ट्वेंटी थर्ड आर्टिकल जो है आपका वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड एंड फोर्स लेबर तो अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं पढ़ोगे फंडामेंटल राइट में तो वहां पर आपको और एक टर्म भी देखने को मिलेगा दैट इज ए बेगार बी ई जी ए आर तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो बेगार है ये बेगर नहीं है ये अलग होता है उसमें सिंगल जी होता है बेगार में बेगर में आपको दो जी मिलते हैं ठीक है जो बेगार होता है इसका मतलब होता है फोर्ड लेबर जब आप किसी से जबरदस्ती लेबर करवाते हो फोर्स लेबर आप किसी को बॉन्डेड लेबर बनाते हो बंदवा मजदूर बनाते हो अपना ये कॉन्सेप्ट आया बेसिकली बंदवा मजदूर से था पुराने इंडियन सोसाइटीज में क्या होता था जमींदार टेनेंट्स से काम करवाते थे अपनी जमीन पे एंड देन उनको पे नहीं करते थे वो रिफ्यूज करते थे उनको पे करना तो वो काइंड kind ऑफ of किसी कर्ज या किसी प्रॉब्लम की वजह से उनके बंध हुआ मजदूर बन जाते थे तो वो होता है आपका बीई जी ए आर बेगर अगला टॉपिक पढ़ना है दैट इज ए बेगरी उसमें जब, डबल जी है ठीक है तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए एंड इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ये क्या करता है ये है फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इसमें इन्होंने क्या किया सेक्शन 370 और 370 ए जिसने मेजर दिए टू काउंटर द मेनेंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसमें ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रेन फॉर द एक्सप्लोयटेशन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग फिजिकल एक्सप्लाइटेशन सेक्शुअल एक्सप्लाइटेशन स्लेवरी सर्विट्यूड और दी फोर्स रिमूल ऑफ ऑर्गन आपकी ऑर्गन ट्रैफिक जो हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में ही देखा था तो वो किसके अंडर आता है आपका तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपको दो तीन एक्ट दिए होंगे बोला होगा इसमें से कौन कौन सा एक्ट जो है वो डील करता है आपके ट्रैफिकिंग के साथ एंड फिर ऑप्शन में एबीसीडी जैसे मैंने कल आपको बताया ए एन बी बी एन सी ऐसे करके आपके आंसर्स होंगे जब का पॉक्सो एक्ट है इसमें भी कुछ क्लॉज आपको मिलेंगे किसके रिलेटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड ये बात याद रख लेना ठीक है हो सकता है एग्जाम में पॉक्सो एक्ट भी हो और आप सोचो कि नहीं तो चिल्ड्रन की सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के रिलेटेड है नहीं इसमें आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा आपको डिटेल्स में यहाँ पे एक्ट नहीं पढ़ने बट यू शुड एटलीस्ट नो कि किस एक्ट में ये चीजें डील हुई हैं देन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लेबर सिस्ट अबोलेशन एक्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट द इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट ज्यूवनाइल जस्टिस एक्ट एंड आई टी एक्ट ये सारे एक्ट जो है आपको याद रखने रिलेटेड है, है आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ठीक है तो सेक्शन थ्री सेवेंटी टू एंड थ्री सेवेंटी थ्री जो है वो भी डील करता है विद सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गर्ल्स फॉर दर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें एक तो आपने सारे एक्ट पढ़ लिए प्लस आपने क्या पढ़ा सेक्शन थ्री सेवेंटी टू एंड थ्री सेवेंटी थ्री तो आप इस लेक्चर में क्या करोगे द एंड जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना हमें रिविजन भी करेंगे इसका ठीक है और सेक्शन थ्री सिक्सटी सिक्स बी ये भी आपका है रिलेटेड टू माइनर गर्ल्स अगर आप माइनर गर्ल की ट्राफिकिंग करते हो दैट इज थ्री सिक्सटी सिक्स ए दैट इज बिलो एटीन एज अगर आप फॉरेन से फॉरेन वाला जो क्लॉज है वो रिलेटेड है थ्री सिक्सटी सिक्स बी के साथ आप क्या करते हो फॉरेन से ट्रैफिकिंग करते हो या करवाते हो दैट इज यस बी और अदरवाइज अगर आप कंट्री में माइनर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो थ्री सिक्सटी सिक्स ए एंड पनिशमेंट इज टेन ईयर्स प्लस फाइन दोनों सेक्शंस में अब इंटरनेशनल कन्वेंशन इंडिया ने क्या क्या साइन किया है रेटिफाई किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज क्राइम ठीक है इसमें ये वाले प्रोटोकॉल्स भी आते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन और जो सार्क कन्वेंशन है जो इंडिया ने रेटिफाई किया है सार्क कंट्रीज के साथ जो आपके बांग्लादेश वगैरह कंट्रीज है तो इसमें आपके बांग्लादेश म्यांमार ठीक है पाकिस्तान भी आता है अफगानिस्तान इंडिया नेपाल ये सारी कंट्रीज आती हैं सार्क में तो इनके साथ भी किया है एक कन्वेंशन रेटिफाई

वो उनको कैसे हैंडल करना है क्योंकि ये जो केसेस हैं इसके लिए उनका थोड़ा सेंसिटिव होना ज्यादा जरूरी है तो ये होते हैं उनको ट्रेन और सेंसिटाइज करने के लिए फाइन तो इसको हम जुडिशियल बोलते हैं एम क्या है सेंसिटाइज करना जुडिशियल ऑफिसर्स को अबाउट द वेरियस इशूज कंसर्निंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एंश्योर करना कि वो स्पीडी कोर्ट प्रोसेस हो जाए और तारीख पे तारीख में वो ना फंसे ठीक है और ये कहाँ पे होते हैं हाई कोर्ट लेवल पे होते हैं तो जुडिशियल कॉलोकियम भी आप याद रख लेना अब कुछ डेटा देख लेते हैं इंडिया में जो एनसीआर है वो कंपाइल करता है क्राइम स्टेटिस्टिक्स और उसको बाद में रिपोर्ट करता है स्टेट्स एंड यूटीज को और इसको पब्लिश करता है क्राइम इन इंडिया में वो जो लेटेस्ट रिपोर्ट हुई थी वो पब्लिश हुई थी 2021 में तो एनसीआरबी ठीक है क्राइम कंपाइल करता है सारा डेटा एंड पब्लिश करता है क्राइम इन इंडिया पब्लिकेशन में जो इससे पहले हमने क्राइम एक्ट पढ़ा था वो क्या करता है वो आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है रियल टाइम बेसिस पे आपको डेटा देता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड ठीक है ये दो डिफरेंसेस याद रख लेना और ये कंपाइल करता है डेटा मतलब ये रियल नहीं होता है क्या करता है ग्रांट इन एड, मतलब आपको वगैरह देता है पैसे किसको देता है एफ को देता है करने के लिए, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स और बी ने इसी पैसों से फिलहाल इस्टैब्लिश किए हैं फिफ्टीन ए एस टीओ एस टीय ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ठीक है Ahtos, Ahtos आज तक की डेट में जब ये डेटा हमारे सामने आया था तो सेवन एटी एट ए एस टी जो थे इंक्लूडिंग थर्टी इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस मतलब जहाँ पे आपके बीएसएफ वगैरह होते हैं बीएसएफ एसएसबी वो फंक्शनल हैं ठीक है थर्टी इसमें से बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में फंक्शनल है एंड हमारे कितने टोटल ए एस टी ओज करंटली एज ऑन डेट होते हैं सेवन एटी एट ठीक है उसमें से बी एस एफ जो है उसको कौन देता है ग्रांट इन एड एमएचए देता है ये ए एस टी ओज को सेटअप करने के लिए और एमएचएन एम एच ए ने क्या किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है 98.86 करोड़ ये टर्म अगर याद ना भी रखो ये याद होना चाहिए आपको वो किसके अंडर दिया है निर्भया फंड के अंडर ठीक है एग्जाम में जैसे आ सकता है निर्भया फंड जो है वो किस किस चीज से रिलेटेड है तो उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड किया है प्लस जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है 2008 उसको अमेंड किया गया था 2019 में तो उसमें भी क्या किया जाता है वो भी किससे रिलेटेड है आपके केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ठीक है उनके अंडर क्या पनिशमेंट कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो आता है सेक्शन थ्री सेवेंटी एन थ्री सेवेंटी ए और बायोलेटरल मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंड एमओयू साइन करते हैं कंट्रीज के साथ जिसमें दोनों कंट्रीज अपने कुछ पॉइंट्स प्रिंसिपल्स रखती हैं एंड देन वो म्यूचुअली उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसे में ये करेंगे ऐसे केस में ये करेंगे ठीक है तो वो बायोलेटरल मेमोरेंडम्स हो गए जब दो कंट्रीज के बीच में वो साइन होगा एमओयू दो कंट्रीज के बीच में तो हमारे बायोलेटरल किस किस के साथ है बांग्लादेश यूएई ए कंबोडिया एंड म्यांमार ठीक है एंड बाकी जो है वो मल्टीलेटर है मतलब उसमें काफी कंट्रीज जो होंगी एमओयूज में इन्वॉल्व होंगी तो मल्टीलेटर वाला नहीं देखना लेकिन एटलीस्ट बायलेटर वाला आपको याद होना चाहिए बांग्लादेश यूए कंबोडिया एंड म्यांमार ठीक है जस्टिस वर्मा कमिटी जो है हैड हैडेड फॉर सेंसस ऑफ द मिसिंग चिल्ड्रन तो ये भी आपके ह्यूमन ट्राफिकिंग से ही रिलेटेड है क्योंकि जब बच्चे मिसिंग है तो कोई ना कोई ह्यूमन ट्राफिकिंग में होंगे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा होगा तो उसका एक सेंसस प्रिपेयर करना ये किसने रेकमेंड किया था आपका जस्टिस वर्मा कमेटी ने ठीक है तो ये कंप्लीट होता है आपका ह्यूमन ट्राफिकिंग ठीक है आगे देखते हैं बेगरी बेगरी मैंने आपको बताया बेगार से कंफ्यूज नहीं करना जो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री में गिवन है दैट इज अ फोर्स लेबर बेगरी जो है वो किसके अंडर आता है देखो बेगरी में कोई ऐसा नेशनल लॉ नहीं है जो डिटरमिन करेगा कि बेगरी होनी चाहिए बेगरी जो भीख मांगना मतलब ये आपको पता है ठीक है तो ऐसा कोई नेशनल लॉ नहीं है तो मोस्टली जो स्टेट्स फॉलो करती हैं दैट कम्स अंडर यू बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग बैगिंग एक्ट नाइनटीन ठीक है Act, 1959. तो इस एक्ट ने डिफाइन किया बेगरी को एज हैविंग नो विजिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड वॉन्डरिंग अबाउट और रिमेनिंग इन एनी पब्लिक प्लेस इन सच कंडीशनर मैनर एज मेक्स इट लाइकली दैट द पर्सन डूइंग सो एग्जिस्ट बाइ सोलिसिटिंग और रिसिविंग आर्म्स है वही डेफिनेशन कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करते हैं फिर भीख मांगते हैं और उनके पास वही एक तरीका है अपनी जो लाइफ है वो जीने का पैसा कमाने का सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर वन थ्री सिक्स सेवन जीरो बैगर्स एंड वैग्रेंट्स इन द कंट्री बैगर्स वैग्रेंट होता है बेसिकली ये भी बैगर्स होते हैं लेकिन ये वैग्रेंट थोड़े खतरनाक स्ट्रॉन्ग बिल्ड वो वैगाबॉन्ड टाइप और बेगर्स यूजली रिलेट किया जाता था जो ओल्ड एंड डिसेबल्ड लोग होते थे उनसे ठीक है तो वेस्ट बंगाल एंड यूपी उसके बाद बिहार जो है टॉप करता है लिस्ट बेगर्स में एज पर योर 2011 सेंसस अगर थोड़ा फिर स्टेट और यूटीज का नॉर्थ ईस्टर्न का भी देखना चाहो तो वो डेटा आप यहाँ से देख सकते हो लेकिन अब ये तो एटलीस्ट याद रख लेना वेस्ट बंगाल यूपी एंड बिहार ठीक है ये आपके 2011 सेंसस का डेटा है भी जो एक्ट है ये क्या करता है प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट ये बोलता है बेगर्स को आ, अरेस्ट करो दैट मीनस क्रिमिनलाइज करता है बेगिंग को तो ये जो एक्ट है ये पावर देता है पुलिस को अरेस्ट करने के लिए बेगर्स को ठीक है जो भीख मांगते हैं विदाउट ए वारंट ये चीज याद रख लेना विदाउट ए वारंट एंड जो मजिस्ट्रेट है वो उनको डिटेंशन सेंटर भेज सकते हैं फॉर थ्री ईयर्स अगर उनको पहली बार पकड़ा गया हो एंड दूसरी बार पकड़ा गया हो तो अप टू टेन ईयर्स तो एक खतरनाक तरीके से क्रिमिनलाइज करता है बैगिंग को एंड अगर जो बच्चा इन्वॉल्व है उसकी फैमिली को भी डिटेन कर सकते हैं इस एक्ट के अंडर एंड अगर छोटे बच्चे को आप वो दे दो काम की जॉब चैरिटी के लिए पैसे कलेक्ट करो लोगों से स्ट्रेंजर से पैसे मांगो डोनेशन के लिए तो उस केस में जिस इंसान ने ये किया होगा बच्चे को जबरदस्ती करवा रहा होगा ठीक है तो उसको मैक्सिमम ऑफ थ्री ईयर्स एंड मिनिमम ऑफ वन ईयर की पनिशमेंट हो जाती है तो उसको बोलते हैं सॉलिड्स और एक्सप्लॉयड से चाइल्ड टू बैग फॉर आर्म्स जो डोनेशन फॉर चैरिटीज वगैरह के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बच्चों को जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं दो देर इज दो नेशनल लॉ जो बैगिंगली प्रोहिबिटेड इन ट्वेंटी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया ठीक है तो बीस जगहों पर यह इसको प्रोहिबिट किया गया है लेकिन इसका कोई नेशनल लॉ जो है वो नहीं है तो हम क्या फॉलो करते हैं मोस्टली प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट ठीक है Act, Act, अब टू थाउजेंड सिक्सटीन में क्या हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उन्होंने एक बिल लाई थी रिहेबिलिटेशन मॉडल बिल टू थाउजेंड सिक्सटीन कहा था प्रोटेक्ट केयर सपोर्ट एंड ट्रेन करो एंड अदर सर्विसज टू ऑल दोसंस इन डेस्टिट्यूशन की जो हैं ऐसे जो डेस्टिट्यूट हैं पोअर हैं काफ़ी इस कंडीशन में हैं ऑरफन हैं उनके लिए काम करो ताकि वो बैगिंग में ना इन्वॉल्व हो जाए लेकिन इस बिल को कभी पास नहीं किया गया अब कश्मीर में क्या हुआ था एक केस आया था सुहेल रशीद भट्ट जम्मू एंड कश्मीर उस केस में हमारे हाई कोर्ट ने क्या कहा था जो ये प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट है एंड जो प्रिवेंशन ऑफ बेगरी रूल्स 1964 हैं ये दोनों चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं ठीक है ठीके? ये हाई कोर्ट ने कहा था ठीक है क्यों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया क्योंकि आप देखो बेगरी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करने के लिए बेगर्स को अरेस्ट करना इज नो सोल्यूशन आप उनको डिटेन करो एंड ऑल दैट आपको ग्राउंड लेवल पे जाना होगा बेगरी प्रॉब्लम क्यों आती है क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज्यादा है आपको आप एक ये ओवर आर्किंग रूल नहीं लेके आ सकते किसी चीज को रोकने के लिए ऊपर से आपको जड़ पे जाना होगा कि वो प्रॉब्लम क्यों है कोई अपनी मर्जी से भीख मांगने तो नहीं जाएगा ना कोई क्यों जा रहा है भीख मांगने उसके काफी रीजन होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि फिर एक्चुअली लोग भीख मांगना ही शुरू कर देंगे जब उनके पास पैसे नहीं होंगे पॉवर्टी इतनी ज्यादा है तो वो करेंगे क्या ठीक है साथ में पॉपुलेशन बढ़ रही है रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो आपको उन चीजों पे काम करना होगा ये हाई कोर्ट ने कहा था इस वजह से इसको जो है लॉ को कहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने क्या किया है इन्होंने फॉर्मुलेट की है एक स्कीम जिसका नाम है स्माइल ठीक है उस स्कीम जो है उसकी एक सब स्कीम आती है रिहेबिलिटेट करने के लिए ऑफ पर्सन एंगे तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्माइल स्कीम किससे रिलेटेड है तो स्माइल स्कीम का एक पार्ट आपको बैगिंग के लिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके लिए कॉम्प्रहेंसिव मेजर्स लाने का भी एक प्रोविजन है तो वो चीज आपको याद रखनी है अब टाइप ऑफ बैगर्स देख लो क्योंकि बेगरी से आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं फाइन तो आपको या तो ये जो हमने एक्ट पढ़े यहाँ पे ये यह सारी चीजें ये आ सकती हैं ठीक है बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट क्रिमिनलाइज करता है बैगिंग को ऐसा कुछ लिखा हो सकता है पॉइंट्स में उनके थोड़े प्रोविजन आ सकते हैं एक्ट के या आपको इस बिल के बारे में पूछा जा सकता है या आपको स्माइल इनिशिएटिव ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या क्वेश्चंस आपके यहाँ से बने जा सकते हैं कि आपको कोई बैगिंग लिखी होगी फिर कोई कंडीशन दी होगी सिनेरियो दिया होगा और बोला होगा किस टाइप की बैगिंग है तो इसीलिए आपका टाइप्स ऑफ बैगिंग भी पढ़ना जरूरी है देखते हैं जुविनाइल बैगर्स ये कौन से होते हैं आपके जुविनाइल जो बिलो एटीन ईयर्स ऑफ एज होते हैं जब वो बैगिंग में इन्वॉल्व हो फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप दैट मीन जो मेंटली इल होंगे अनस्टेबल होंगे फिजिकली हैंडी कैप्ट आप देखते हो ऐसे लोग जो जिनके हाथ नहीं होते पैर नहीं होते डिसेबल होते हैं फिजिकली वो बैगिंग करते हैं डिजीज अगर जैसे लेप्रोसी वगैरह किसी को हो गई हो या और कोई बीमारी हो ठीक है तो वो लोग अगर बैगिंग करेंगे उनको डिजीज़ बोलते हैं रिलीजियस मैंडिगेंट्स कौन से होते हैं जैसे आपके सेंट वगैरह साधु जो भिक्षा मांगने आते हैं या आपके बुद्धिस्ट मॉन्स वगैरह जो टेंपल्स के बाहर बैठे होते हैं ना आप उनको पैसे देते हो तो वो आपके रिलीजियस मेंडिकेंट्स होते हैं एबल्ड बॉडी कौन से होते हैं अच्छे खासे होते हैं लेजी हैं काम नहीं करना है तो वो भीख मांगते हैं एज एंड इनफर्म कौन से होते हैं जो आपके थोड़े बहुत एज्ड uh, जब ओल्ड हो जाते हैं और थोड़ा मेंटली वो पूरे फिट नहीं होते ठीक है एज के साथ साथ फिर दिमाग पे भी असर पड़ना शुरू हो जाता है इंसान के तो वो वाली कैटेगरी के लोग एज एंड इनफर्म माइंड में आएंगे तो अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको दी जाए कोई सीन दिया जाए किसी इंसान का नाम एंड बिलो एटीन इयर्स है वो बैगिंग कर रहा है तो वो कौन सा वाला टाइप का बेगर हुआ यू शुड नो कि वो जुविनाइल बैगर बैगर है अब ये सारी चीजें तो आपको आराम से याद रहेंगी अब नेक्स्ट देख लो कैजुअल 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 बेगर्स बेगर्स वो होते हैं जब तक उनको कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट ना मिले या पार्ट टाइम वर्क जो करना चाहते हैं तब तक के लिए जो पीरियड रहेगा बीच में उस टाइम पे वो भीख मांगेंगे तो इसको आ, आ, कहते हैं कि बेगिंग उनके लिए है एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट बेगिंग किन के लिए है कैजुअल बेगर्स के लिए ठीक है ये आपके प्रोफेशनल हेरिडिटरी बेगर्स होते हैं जिनके लिए ये मतलब उनके लिए हेरिडिटी है उनका ये ट्रेडिशनल और कस्टमरी एक्टिविटी ही है उनके ट्रेडिशन में है बैगिंग करना तो उनको ये चीज कोई बुरी नहीं लगती है अब इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं दिस इज अमंग दी मेंबर्स ऑफ सर्टेन कास्ट या ट्राइबल ग्रुप्स में पाई जाती है जो क्या करते हैं नोमैडिक वे ऑफ उनका एग्जिस्टेंस है लाइफ का दैट मीन्स वो उनका नोमैड्स कौन से होते हैं जो बन जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं उनका अपना कोई घर नहीं होता ठीक है तो पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ट्राइब या पर्टिकुलर मेंबर ऑफ कास्ट वो इस प्रोफेशनल uh, या हेरिडिटरी बैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं और वो कैसे बैगिंग करते हैं जैसे आपने देखा होगा वो रस्सी के ऊपर से चलेंगे वो व्हील के अंदर ठीक है वो uh, ऐसे एक्रोबैटिक्स करके या गाना गाएंगे ट्रेन में जैसे सिंगिंग करते हैं या डांसिंग करने के लिए ग्रुप आता है फिर थो थोड़ा बहुत आपको परफॉर्म करके कुछ दिखाते हैं और आप उनको पैसे देते हो तो ये बेसिकली होता है जो अर्न करते हैं अपनी लिविंग बाय एंटरटेनिंग पीपल थ्रू सिंगिंग डांसिंग और परफॉर्मिंग एग्रोबैट फीड्स तो इनको कौन से वाले बैगर बे बोलते हैं प्रोफेशनल और हेरिडिटेरी बैगर्स एंड ये हमें देखने को मिलते हैं कुछ कास्ट या ट्राइबल बर्गर्स कैजुअल बेगर्स कौन से होते हैं जिनके लिए बैगिंग जो है स्टॉप गैप अरेजमेंट होती है जब तक फाइनल काम नहीं मिलेगा तब तक वो बैगिंग करेंगे तो वो आपका हो गया टाइप्स ऑफ बैगर्स अब कॉजेस भी थोड़े देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉजेज ये है, है कौन, कौन अपनी मर्जी से बैगिंग करेगा ठीक है तो उनको इकॉनमी पॉवर्टी लैंडलेसनेस कैलेमिटी ड्रॉट फेमाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो बैगिंग करवाती हैं अब ये सारे जो हैं पॉवर्ट ये जो कैलेमिटी ड्रॉट फेमींस है ये हम और एक चीज़ में भी देखेंगे और एक इकनॉमिक कॉज में भी आता है अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है जिसके पास जॉब ही नहीं है अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये अलग टर्म है डिफरेंट है अनएम्प्लॉयमेंट से अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है आपने सुना होगा कोई बोलता है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए ओवर क्वालिफाइड हूँ दैट मीन्स जो उसका काम है वो उसके स्किल से काफी कम है फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कोई पी ये होते हैं स्कॉलर्स होते हैं वो आजकल वो ऑटो चलाते हैं वो बस ड्राइवर बन जाते हैं ठीक है ऑल तो ये उनके स्किल्स एंड एजुकेशन से काफी ज्यादा कम है पर वो ऐसा ही करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही ऐसा जॉब्स नहीं है तो लोग यही कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट रिलीजियस कॉजेज हैं क्योंकि काफी रिलीजियस ग्रुप जो है सेंक्शन करते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो ऑन रिलीजियस हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस हर जगह आपको देखने को मिलेगा सोशल कॉजेस अब देखो डरना नहीं आप देखे कि मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है आपको क्या देखना है इसमें मैं आपको ईजी तोड़ के बताऊंगी सोशल कॉजेस क्या हो सकते हैं सोसाइटी में अगर को कोई प्रॉब्लम चल रही है डिसऑर्गेनाइजेशन है कॉन्फ्लिक्ट है एनॉमी होता है कंडीशन ऑफ लॉलेसनेस की कोई लॉ नहीं है जो आपको कंट्रोल कर पा रहा है बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रही है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है रिसोर्सेज नहीं है उतने ज्यादा जितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं फाइन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर जो है आपका वो वीकन हो रहा है तो इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फैमिली आपको प्रोवाइड करती है अब वो आप जॉइंट फैमिली में रहते थे तो फैमिली आपको प्रोवाइड करती थी अब आप अलग रहते हो आपके पास कोई जरिया नहीं है खुद को सस्टेन uh, करने का अपना लाइवलीहुड बनाने का तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सोशल कॉजेज में अब इसमें आपको याद क्या चीज रखनी है आपको इसमें अगर कुछ भी नहीं याद रखो एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि जो सोशल कॉजे ऑफ बेगिंग है वो किन में पाई जाती है वो नाम आपको देखने हैं और ये याद रखना है कि वो जो बैगिंग करते हैं वो भी बैगिंग एज हेरिडिटरी प्रोफेशन करते हैं ठीक है जो हमने अभी हेरिडिटरी वो पढ़ा था एक टाइप ऑफ तो सोशल कॉज उससे रिलेटेड है कि ये वाले जो लोग होते हैं ये कोई सोशल स्टिग्मा अटैच नहीं करते बैगिंग के साथ ये इसको ठीक है हम बचपन से यही करते आ रहे हैं हमारा प्रोफेशन ही यही है तो ये वही वाला ग्रुप है तो इसमें कौन कौन सा आपको देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आपके नाट्स बाजीगर्स साइंस जगलर्स बर्थ एंड कंजार्स ये भी एक नोमैडिक ग्रुप है ठीक है तो ये सारे नाम है इनके लिए यूज किया जाता है बेगर्स के लिए जो सोशल कॉजेज या आप बोल सकते हो हेरिडिटरी प्रोफेशनल तौर पे बैगिंग करते हैं ठीक है यही सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी लिखी है मैंने एक बार ही आप देख लेना नेचुरल कैलमिटीज जैसे ड्रॉट हो गया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ना ये एग्जाम्पल आप और कहीं भी देखोगे तो ये जो एग्जाम्पल है आपके इकोनॉमी से भी रिलेटेड है इकोनॉमिक कॉज से आपकी कैलॉमिटी ड्रॉट फेमीन वगैरह एंड वो आपके नेचुरल कैलॉमिटी से भी रिलेटेड है इन सब चीजों की वजह से क्या हो जाता है इंसान का लाइवलीहुड उसे छिन जाता है तो फिर वो क्या करता है वो मजबूर हो जाता है बैगिंग करने पर तो ये हो गया कंप्लीट आपका बैगिंग तो इसमें हमने क्या देखा पहले बेगरी में इंपॉर्टेंट किया है बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट देख लिया हमने फिर ये कुछ स्टेट्स के नाम वेस्ट बंगाल यूपी एंड बिहार टॉप करते हैं फिर बाद में ये एक्ट जो है क्रिमिनलाइज करता है बैगिंग को ये सारी चीजें एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ बैगिंग कॉजेज ऑफ बैगिंग और उसमें हमने कोई कम्युनिटीज के नाम देखे हैं ठीक अब करप्शन देखते हैं करप्शन हमें पता है क्या होता है अगर इसको डिफाइन करने जाओ तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है बाय दो इन द पोजिशन ऑफ पावर ठीक है जिनके पास कोई थोड़ा बहुत पावर मिलता है उनका डिसऑनेस्ट बिहेवियर कि वो पैसे लेके किसी का काम करें पैसों का लेन देन चलाते हैं या फाइल्स पास करना किसी को फेवर करना ठीक है किसी की प्रमोशन जल्दी होने में हेल्प करना अपने बच्चों को आगे प्रमोट करना वो सारी चीजें करप्शन में आती हैं तो इट इम्प्लाइज फेलियर ऑफ एथिक्स कि आपके एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज जो है वो जीरो हो गए तभी आप करप्शन में इन्वॉल्व होते हो अब इंडिया में क्या रीजन है बिहाइंड करप्शन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो काम है गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा होता है कि उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ठीक है उसकी वजह से हो सकता है लेकिन इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया वो ई गवर्नेंस वाला काम जब सारा काम डिजिटाइज हो जाता है अब सब मोस्टली अब काम क्या करना कैसे करना होता है आपके पास ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने हैं पहले वही फॉर्म आपको ऑफिस जाके सबमिट करने है फिर आपको कोई नहीं पता होता आपने फॉर्म ऑफिस में रखा वो आगे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है तो मतलब एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना आपको नहीं पता आपकी फाइल दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंची है नहीं आप जब ऑनलाइन करते हो तो आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है जहां आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो ट्रैक कर सकते हो ठीक है तो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी जितनी ट्रांसपेरेंसी कम होगी उतनी ज्यादा करप्शन होगी ठीक है वीक इंस्टीट्यूशन एंड इन इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क जो लीगल फ्रेमवर्क है करप्शन को लेके वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं एंड जो इंस्टीट्यूशन है आपके ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उनका भी फेलियर वो भी एक रीजन होता है आपके करप्शन का लो सैलरीज एंड इंसेंटिव अब अपनी सैलरीज ही इतनी कम दे रहे हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मोस्टली तो करप्शन करेंगे ही ये भी एक रीजन होगा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप होता है जब एक्सेसिव रेगुलेशन एक्सेसिव रेगुलेशन होते हैं ठीक है आपको एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है लेकिन उसके लिए आपको इतनी सरदर्दी है इतना काम करना है इतने दिन लगेंगे इतने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं ब्यूरोक्रेट्स वहाँ के जो पब्लिक ऑफिशियस होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स कि ये लाओ वो लाओ फिर आप उस दिन जाते हो नहीं अब उस दिन आना उस दिन आना तो इस सबको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म तो होता कि आप अपना काम जल्दी करवाने की कोशिश करते हो उसके लिए आप क्या करते हो आप चोरी से उसके जेब में सौ रुपये डाल देते हो तो वहां से आपकी जो करप्शन है वो स्टार्ट हो जाती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पॉलिटिकल लीडर्स फोन कर को आप जब सुपरवाइजर बनोगे तो आपको भी फोन आएंगे एम एल एज के, के हमारा ये काम करवा दो ठीक है उनका वहां पे वो काम करवा दो दैट इज ए पोलिटिकल इंटरफेयरेंस कल्चरल फैक्टर्स सारे तो कर ही रहे ना तो इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर आपको कोई बोले करप्शन गलत है आपने उस बंदे को अपना काम करने के लिए हजार रुपए क्यों दिए दिस इज एथिकली मॉरली रिलीजियसली रॉन्ग ऑन ऑल ग्राउंड ये गलत है तो आप बोलोगे सारी दुनिया तो कर ही रही है ना तो मेरे से क्या होगा दैट इज ए कल्चर फैक्टर क्योंकि करप्शन आपके कल्चर से आती है काम कर रहे हैं और उनकी कंपनी में कोई गलत काम चल रहा है तो वो उस चीज को नोटिस में लाते हैं जो उसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं अपने उस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बोलते हैं वो विसल ब्लो कर रहे हैं ठीक है उनको विसल ब्लोवर बोला जाता है तो इन विसल ब्लोवर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि कंपनी के जो माफियाज होते हैं खतरनाक लोग होते हैं वो इनको जान का खतरा भी होता है उस चीज में तो इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से ये जो लोग हैं वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं ठीक है तो जो विसल ग्लोबर्स है इनको प्रॉपरली गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन ना मिलना ये भी कॉज है किसका रीज़न है बिहाइंड करप्शन सोशल इनिक्वालिटी आप जब देखते हो एक साइड से इतने अमीर लोग दुनिया में हैं और आप इतने गरीब हो आपके पास पैसे नहीं हैं और फलानी ने ये गाड़ी लाई है आपके पास खाने को पैसे नहीं है और वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा अनथिकल काम करने पे भी मजबूर कर देती हैं अब देखो जो करप्शन है इसका बिहेवियर अगर हम तीन ब्रॉड फिनोमिना में कवर कर सके वो है आपका ब्राइबरी रिश्वत लेना देना दोनों चीजें एक्सटॉशन अपना काम करवाना फॉर कैरिंग आउट पब्लिक ड्यूटीज ठीक है वो क्या मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप ब्रिज बना रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको कोई ब्रिज बनाना है ठीक है एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है ब्रिज बनाने का तो वो जो कंपनी है वो लीगली अपना काम करे अच्छे से लेकिन वहां के जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जिनके साथ कंपनी को डील करना है परमिट लाने के लिए बाकी सारी चीजें देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं वो उन कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मांगते हैं काम करने के लिए कि हम ये परमिट और लाइसेंस आपको नहीं देंगे जब तक आप हमें इतने करोड़ जो है वो नहीं दोगे तो वो टाइप ऑफ मनी डिमांड करना वो आपके एक्सटॉशन में आता है नेपोटिज्म ये आपको पता होगा कि अपना पावर यूज करके जैसे अपने बेटे को अपॉइंटमेंट दिलवा दी ऑलमोस्ट हर रिक्रूटमेंट के बाद ये बात उठती है कि किसी फलानी का बेटा था वो भी सिलेक्ट हो गया ऑल्दो अगर बेचारा अपनी मेहनत से भी हुआ होगा तो ये बातें होती है ना कि उसके बेटे को पहले से पेपर पता होता उसके बेटे को प्रमोशन जल्दी मिली तो वो सारी चीजें किस में फॉल करती है नेपोटिज्म में तो अगर ब्रॉड फ्रेमवर्क में देखो आप करप्शन को इन तीन चीजों से रिलेट कर सकते हो अब यहाँ पे एक नाम देख लो सईद हुसैन अलातास ये एक करप्शन सोशोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े ठीक है तो इन्होंने हमें कुछ टाइप्स ऑफ करप्शन दी है हम कोई जनरल टाइप्स ऑफ करप्शन भी पढ़ेंगे पर ये टाइप्स ऑफ करप्शन भी आप पढ़ो क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो फिर आप क्यों रिस्क लोगे मैं इतने अच्छे से आपको समझा तो रही हूँ ये चीज आप समझ जाओ मैं आपको एक्जाम्पल से दो दो तीन तीन लाइनों में एग्जाम्पल बताऊंगी बस आपको ये नाम पता होना चाहिए और ये टाइप ऑफ करप्शन पता होना चाहिए एग्जाम में हो सकता है आपको कोई सिचुएशन दी हो दी हो लिखा हो नीचे ऑटोजेनिक करप्शन है कि नहीं ठीक है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे होता क्या है ट्रांजेक्टिव करप्शन क्या होता है जब दोनों पार्टीज का बेनिफिट इन्वॉल्व होता है जैसे कोई प्राइवेट फर्म है गवर्नमेंट है उन्होंने हाथ मिलाया ठीक है उन्हें हाथ कैसे मिलाया प्राइवेट फॉर्म जो है वो फंडिंग करेगा गवर्नमेंट को इलेक्शंस में और गवर्नमेंट उसके बदले क्या करेगा इसके लिए कुछ प्राइवेट फॉर्म के लिए टैक्सेस का कुछ बेनिफिट्स लेके आएगा कोई ऐसी स्कीम लेके आएगा जिससे इसको फायदा होगा ठीक है ऐसे कोई लॉज बनाएगा जिससे इस प्राइवेट फॉर्म को फायदा होगा तो ये टाइप ऑफ करप्शन को हम बोलेंगे ट्रांजेक्टिव करप्शन एक्सॉटिव करप्शन जो हमने अभी पढ़ा एक्सट्रॉशन को लेकर जो मैंने आपको अभी कॉन्ट्रैक्टर की एग्जाम्पल दी वो इसमें आ जाएगा इन्वेस्टिव करप्शन जो आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो किसी करप्टिव पर्पज में फॉर एग्जाम्पल आप किसी पब्लिक ऑफिस में जा रहे हो और आपको पता है जो वहां का ऑफिशियल है ही कल को मेरे काम आ सकता है तो आप क्या करते हो उसको अभी से उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हो अननेसेसरी जो यू रिक्वायर्ड नहीं है आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ देने की जरूरत नहीं है अपना काम करने के लिए पर आप वो देते हो आपको पता है कल को मेरे काम आ सकता है तो उसको इन्वेस्टिव करप्शन बोलते हैं नेपोटिस्टिक करप्शन ये आपके नेपोटिज्म से रिलेटेड है ठीक जो अभी हमने पढ़ा डिफेंसिव करप्शन एक्सटॉर्शन केस में मैंने आपको पहले ही बोला जो कॉन्ट्रैक्टर था वो लीगली अपना काम कर रहा था लेकिन उसको पब्लिक ऑफिशियल तंग कर रहे थे अब जो वो आगे से एक्ट करेगा खुद के डिफेंस में वो फॉल होगा डिफेंसिव करप्शन में ठीक है देन इज यो ऑटोजेनिक ऑटोजेनिक एंड सपोर्टिव करप्शन ऑटोजेनिक होता है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हो इंडिविजुअल खुद इन्वॉल्व होता है उसमें और कोई पार्टी नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल आप अपने टैक्स चुराने के लिए कुछ करोगे ठीक है फॉल्स क्लेम्स करोगे मुझे ये चीज दे दो या मुझे यहाँ पे एक चीज का बेनिफिट दे दो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है तो वो भी काइंड ऑफ करप्शन हुई वो किसमें फॉल करेगा ऑटोजेनिक करप्शन में एंड सपोर्टिव करप्शन इज फॉर एग्जाम्पल आप अपना काम कराने के लिए के इन ठग्स वगैरह को हायर करते हो आप खुद नहीं कर रहे हो तीसरे बंदे का सपोर्ट ले रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए दैट इज सपोर्टिव करप्शन तो अगर आपको याद नहीं रहेगा जो मैंने बोला है दो दो तीन तीन लाइनें यहां से देख के इसको रिवाइज कर लेना है वही चीजें जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है ठीक है नेपोटिस्टिक डिफेंसिव ऑटोजेनिक एंड सपोर्टिव और ये किसने दिया था अल्लाह नाम याद रख लेना ये आपके बहुत बड़े करप्शन सोशोलॉजिस्ट है जनरल फॉर्म्स भी देख लेते हैं इनकी एग्जाम्पल हो सकता है एग्जाम में आ जाए पॉलिटिकल करप्शन इस चीजें सिंपल है काफी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे आपको जिसमें पॉलिटिक्स जैसे लॉज पॉलिटिकल पार्टीज आपके इलेक्शन इलेक्शन फंडिंग वो चीजें रिलेटेड हो इकोनॉमिक करप्शन होंगे जैसे बड़े बिजनेसमैन टैक्सेस नहीं पे करेंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है उसके लिए आप ब्राइब कर रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट में आप बेसिकली क्या काम वो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है प्रॉफिट जनरेट करना काम करना फाइन उसके लिए आप ब्राइब कर रहे हो तो वो आपका इकोनॉमिक टाइप ऑफ करप्शन है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन भी होता है वही आप ऑफिशियल्स को पैसे देते हो अपना काम जल्दी करने के लिए प्रोसीजर जो है एक वो फॉलो नहीं करके थोड़ा आप लूप होल्स ढूंढना स्टार्ट करते हो कि कैसे मैं अपना काम जल्दी और तेजी से करवाऊं ज्यूडिशल करप्शन होता है जैसे आप जजमेंट्स पे असर लाना जज आप क्या करोगे जज को ही ब्राइब करोगे वो तो आपके फेवर में जो है वो वर्डिक्ट दे फाइनल किसी को फ्री बेल प्रोवाइड करना तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी से जो मॉरल करप्शन जिसमें आपके मॉरल्स क्वेश्चन उठता है ठीक है वो कैसे होगा कि आप कर रहे हो गरीब लोगों को ठीक है जब एक्सप्लॉयटेशन होती है फ्रॉम फ्यू टू अ लार्ज मास वो भी मॉरल टाइप ऑफ करप्शन हो गई या अपना ऐसा वेल्थ डिस्प्ले करना या पावर डिस्प्ले करना ठीक है या इंडिविजुअल लेवल पे करप्शन करना तो वो सारी चीजें आपके मॉरल करप्शन में आती हैं थोड़ा तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है ठीक है इसको एमेंड किया गया था 2018 में जिसने क्रिमिनलाइज किया था ब्राइब टेकिंग को भी और गिविंग को भी तो इसमें ब्राइब देना रिश्वत देना और लेना दोनों जो है वो एक ऑफेंस माने जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन से रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या होता है लॉन्ड्री क्या होता है बेसिकली लॉन्ड्री में हम क्या करते हैं कपड़े धोते हैं मैले कपड़े धोते हैं तो लॉन्ड्री में क्या होता है जब ब्लैक मनी होता है आप दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करते हो पहले फिर उसको बाद में एक लीगल मीन से वापस लेके आते हो कि एनजीओ की फंडिंग कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशन की फंडिंग कर रहा हूँ तो उन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये एक्ट है तो इसमें भी आपका करप्शन वाला आता है कंपनीज एक्ट नाइनटीन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड एंड थर्टीन ये भी क्या करता है इसमें भी प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन करप्शन एंड फ्रॉड की बात हुई है कहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडियन पीनल कोड 1860 जो अभी जो है ये भी कुछ प्रोविजन सेट आउट करते हैं टू कवर ब्राइबरी एंड फ्रॉड मैटर्स ठीक है आपके जो बेनामी ट्रांजेक्शन होते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी आप किसी और की प्रॉपर्टी गलती से आप अपने नाम पर रजिस्टर गलती से नहीं मतलब किसी और की प्रॉपर्टी आप खुद के नाम पर रजिस्टर करो वो बेचारा अनपढ़ है उसको पता नहीं है तो आप क्या करोगे उसकी जमीन के कागज अपने नाम पे बनाओगे फाइन तो बोलोगे मेरी जमीन है तो उसको हम बोलते हैं बिना भी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट तो वो भी आपका करप्शन के ही लीगल फ्रेमवर्क आता है तो इसके लिए एक गवर्नमेंट ने एक्ट लाया था लोकपाल एंड लोक, लोक आयुक्ताज एक्ट ठीक है लोकपाल हो गए सेंटर के लिए एंड लोक आयुक्ताज स्टेट के लिए तो ये ओवर लुक करते हैं आपके करप्शन का जो भी चीज़ होती है जो करप्शन किन के थ्रू हुई होती है पब्लिक ऑफिशियल्स के थ्रू जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपके बड़े सारे ऑफिशियल्स हैं एंड मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें आते हैं तो उनको टैकल करने के लिए आपके लिए ये वाले एक्ट हैं ठीक है तो ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ एन एम्बर्ट्समन ऑम्बर्ट्समैन ऑम्बसमैन क्या होता है बेसिकली ये एक गवर्नमेंट ये एक गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिशियल अपॉइंट करता है ओम्बर्ट्समैन जैसे हेल्थ सेक्टर में होगा बैंकिंग सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर में तो किसी भी इंसान को अगर कोई कंप्लेंट होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तो वो क्या करेगा पहले ऑम्बर्ट्स के पास जाए कोई लीगल एक्शन uh, उठाने से पहले एक चैनल होती है जिसके थ्रू उसको पहुंचना होता है तो वहां पे एक बंदा होता है ओम्बर्ट्स जिसको बोलते हैं वो पहले उसको अपनी ग्रीवेंसेस सुनाएगा फिर एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी एंड उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स है वो लिए जाएंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसका मैंडेट क्या है देखना विजिलेंस रिलेटेड टू करप्शन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके सेक्शन 165 ऑफ आईपीसी के अंडर क्या किया गया था पनिशमेंट को इनहैंस किया गया था थ्री ईयर्स इंस्टेड ऑफ एक्सिस्टिंग टू ईयर्स उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उनके करप्शन लेवल पे हमारे पास एक पास एक इंडेक्स आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो रिलीज करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके अकॉर्डिंग जो टॉप थ्री कंट्रीज आती हैं जहां सबसे कम करप्शन है वो है आपकी डेनमार्क फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड और बॉटम स्पॉट्स इन कंट्रीज के बॉटम याद ना भी रखो तो डेनमार्क जो है नंबर वन पे आती है आपकी करप्शन फ्री कंट्री करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें देखना क्या है इसमें इंडिया की रैंक कितनी है नाइनटी थ्री आउट ऑफ वन एटी कंट्रीज ये इंडिया की रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की ठीक है जो इंडियन केसेस है इंडिया की स्टेट्स के में एनसीआरबी के अकॉर्डिंग जो हाइस्ट नंबर ऑफ केसेज कहाँ से रिपोर्ट होते हैं महाराष्ट्र से और पिछले तीन सालों से वहीं से हो रहे हैं एंड सेकेंड नंबर पर राजस्थान से तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना फिर एक और स्लाइड मैंने इसमें इंक्लूड की है हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है टैकल करने को करप्शन करप्शन को टैकल करने के लिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है सीबीआई आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक आपका एनफोर्स डायरेक्टोरेट होता है कैग है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंटी करप्शन ब्यूरोज है इन वेरियस स्टेट्स जुडिशरी है इसमें आती है विजिलेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं अपनी अपनी स्टेट के कुछ अलग अलग विजिलेंस डिपार्टमेंट है स्टेट लेवल लोक आयुक्ताज जो मैंने कहा डीआरआई एस एंड डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बैंकिंग सेक्टर ओम्बर्समैन ओम्बर्ट्समैन भी मैंने बताया क्या होते हैं एंड आपके कंज्यूमर फॉरम्स होते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह जैसे जो आपके कस्टमर की कंप्लेंट्स को लेते हैं ठीक है तो ये इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क अगर हो सकता है एग्जाम में आ जाए तीन चार पॉइंट्स लिखे हों कि कौन कौन से इसमें टैकल करते हैं करप्शन को और आपने कभी नाम ही नहीं सुने होंगे तो फिर क्या करोगे तो ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क टू टैकल करप्शन ठीक है अभी वीडियो कंप्लीट नहीं होगा मैं हम जल्दी से क्विक रिविजन करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका उसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा आपको उसके लिए वेट करना होगा पहले हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से स्टार्ट किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन ठीक है उसमें एक्सप्लॉयटेशन किन किन बेसिस पे होती है वो हमने देखा फिर हमने देखा यू एन में क्या बोला था मैक्सिमम किसके लिए किया जाता है सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए और फॉर फोर्स लेबर कहां पे होता है स्लेवरी वगैरह के लिए सा, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में और सेंट्रल एशियन साउथ एशिया में सबसे ज्यादा फोर्स लेबर और सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए होता है जिनकी सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है नाइनटी उसमें से वुमेन है फिर आपका यूएन का ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन है उसने आपको फोर पीस दिए थे इस प्रॉब्लम टैकल करने के लिए जिसमें प्रोटेक्शन है प्रोसिक्यूशन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट है एंड आपके, आपके कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स भी हैं जो इसके लिए काम करते हैं एंड माइग्रेशन भी जो होती है वो भी कॉज ऑफ ट्रैफिकिंग बनता है अगर आपको झूठे प्रोमिस से कोई माइग्रेट करवाए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है क्राइम एक्ट क्राइम एक् क्या करता है रियल टाइम इफॉर्मेशन देता है आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस के रिलेटेड एंड देन ये एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है इसीलिए इसके लॉस किसको बनाने हैं प्रिवेंशन के लिए आपके स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरीज को फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन uh, क्या क्या है वो लीगल प्रोविजन एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है इसके लिए कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लाइटेशन के लिए और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी है वो भी इसकी बात करता है इसके अंडर हमारे दो सेक्शन आते हैं थ्री एंड थ्री ए फिर आगे, आगे आपका पॉक्सो एक्ट उसमें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होती है एंड देन ये सारे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरेज एक्ट बॉन्डेड लेबर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इमिग्रेशन कैरियर लाइबिलिटी जुवेनाइल जस्टिस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट इसमें कौन कौन से सेक्शन आ गए थ्री सेवेंटी टू एंड थ्री सेवेंटी थ्री जो किसके साथ डील करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गर्ल्स फॉर द प पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और हमारे पास दो सेक्शन है थ्री सिक्सटी सिक्स ए एंड थ्री सिक्सटी सिक्स बी ये क्या कहता है अगर आप कोई लड़की जो एटीन ईयर्स से कम हो उसको इसमें इन्वॉल्व करो ट्रैफिकिंग में फॉर सेक्शुअल एक्सप्लोयेशन थ्री सिक्सटी सिक्स बी क्या कहता है फॉरन से आप लड़की ट्रैफिक करना शुरू करो जो होंगी बिलो द एज ऑफ ट्वेंटी वन तो थ्री सेवेंटी टू थ्री सेवेंटी थ्री क्या करेगा प्रोहिबिट किया गया है हमारा यू एन कन्वेंशन यू एन सी टीओ सी इसके साथ रेटिफिकेशन है सार कन्वेंशन के साथ एंड जुडिशियल जुडिशरी को आप तैयार करते हो उनको थोड़ा सेंसिटाइज करते हो ऐसे केसेस को फास्टली और अच्छे से हैंडल करने के लिए एनसीआर भी क्या करता है रिपोर्ट तैयार करता है इसको पब्लिश करता है क्राइम इन इंडिया में जिसमें सारा क्राइम स्टेटिस्टिक्स होता है एम ने ग्रांट किसको किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ए जो है सेटअप करने के लिए दैट इज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स और बी ने पंद्रह ए एस टी यूज़ स्टेबलिश किए हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे अभी इनको बी को क्यों दिया है जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे काम करते हैं क्योंकि पोरस बॉर्डर्स हैं तो वहाँ से जो प्रॉब्लम आती है उसको टैकल करने के लिए ठीक है एज ऑन डेट हमारे पास सेवन एटी टू सेवन एट एट ए एस टू ए एस टी यूज़ हैं एम एच ए ने क्या किया फंड दिया है किसके अंडर निर्भया फंड के अंडर ठीक है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ऐसे केसेस को एनआईए को इन्वेस्टिगेट किया गया था एनआईए किया गया था ईयर 2019 में जिसके अंडर इसने ऑथराइज किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि जो भी केस होंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उनको इन्वेस्टिगेट करो और ये भी किस सेक्शन में आता है अंडर थ्री सेवेंटी और थ्री सेवेंटी ए के अंडर जो भी केस आते हैं उनको आप क्या कर सकते हो इन्वेस्टिगेट कर सकते हो ये पावर एनआईए के पास है ठीक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी इन सेक्शन की बात हुई थी बायोलेटल मेमोरेंडम्स हमने किस किस के साइन किए हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बांग्लादेश यूएई कंबोडिया एंड म्यांमार जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या कहा था सेंसस बनाओ फॉर मिसिंग चिल्ड्रन आप बैगरी पे आते हैं बैगरी का हमारे पास कोई सेंट्रल लॉ नेशनल लॉ एक नहीं है इसीलिए हम फॉलो करते हैं बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट नाइनटीन इसने क्या किया है क्रिमिनलाइज किया है बैगिंग को यहाँ पे कोई डेटा है वो आप देखोगे टॉप कौन करती है स्टेट्स बैगिंग में बांग्लादेश यूपी एंड बिहार वुब करके याद रखना वुब बैगिंग फिर हो गया आपका बेगिंग को लीगली प्रोहिबिट किया गया है ट्वेंटी स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में कि कोई नेशनल लॉ इसका नहीं है 2016 में एक बिल लेके आए थे लेकिन उसको भी बाद में पास नहीं किया गया था जम्मू एंड कश्मीर केस में सुहेल रशीद भट्ट जम्मू एंड कश्मीर केस आया था उसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जो आपका प्रिवेंशन ऑफ बेगरिंग रूल्स है और ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन, उन, है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोला था और स्माइल जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इसकी एक सब स्कीम है जो काम करती है रिहाबिलिटेशन करने के लोगों को जो

बैगिंग करना तो उनके लिए कोई बुरी बात नहीं मानी जाती है उनका तरीका क्या है बैगिंग करने का वो सीधे ऐसे भीख नहीं मांगते हाथ आगे करके वो आपको एंटरटेनमेंट करते हैं जैसे थ्रू सिंगिंग या डांसिंग या परफॉर्मिंग एक्रोटिक फीड्स और इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं कुछ कास्ट के एंड ट्राइबल ग्रुप्स के एंड वो कौन से और ग्रुप्स के नाम इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हम आगे देखेंगे ठीक है कॉज ऑफ बैगिंग इकोनॉमिक हो सकता है रिलीजियस सोशल कॉजेज हो सकता है जिसमें अभी हमने देखा ये आपका प्रोफेशनल हेरिटेटरी बैगिंग वाला वो इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें आपके नार्ट बाजीगर साइंस जगलर्स एंड कंजार्स वो एक नोमैटिक ग्रुप है जो एक जगह नहीं रहता है एक से जगह से दूसरी जगह फिरता रहता है तो उनके लिए कोई सोशल स्टिग्मा अटैच नहीं है बैगिंग से वो आराम से करते हैं नेचुरल कलेमिटीज वो भी इंसान को फोर्स करती है इसमें एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए करप्शन की डेफिनेशन आपको पता है ये सारे इसके रीजन मैंने आपको बताया एंड थ्री फिनिना है ब्रॉडली ब्राइबरी एस्ट्रॉशन एंड नेपोटिज्म उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रांजेक्शन करप्शन जिसमें दोनों पार्टीज का प्रॉफिट हो प्राइवेट भी इन गवर्नमेंट यूजुअली इसमें इन्वॉल्व होती है ये आपका एक्स्ट्रॉशन से रिलेटेड हो गया इन्वेस्टिव हो गया जो इन्वेस्ट करते हो फ्यूचर के लिए नेपोटिस्टिक हो गया फायदा देते हो अपने किसी रिश्तेदार को डिफेंसिव हो गया जो एक्सट्रॉशन वाले केस में बाद में खुद को डिफेंड करने के लिए करेंगे ऑटोजेनिक हो गया खुद से इन्वॉल्व हो जाते हो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया अपने टैक्स टेक्स जो है टैक्स स्टेटमेंट्स है वो गलत प्रेजेंट करोगे ताकि पैसे बचाओ कुछ सपोर्टिव हो गया जिसमें किसी और का सपोर्ट लेके आप कोई करप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ ठीक है ये पॉलिटिकल हो गया पॉलिटिक्स से रिलेटेड इकोनॉमिक इकनॉमिक से रिलेटेड ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जुडिशरी से रिलेटेड मॉरल करप्शन जो आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हो मॉरली रॉन्ग चीजें करते हो फिर इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास प्रिवेंशन करप्शन एक्ट इसको अमेंट किया गया था 2018 में और इसमें क्रिमिनलाइज किया गया पब्लिक इसको ब्राइब टेकिंग को भी एंड ब्राइब गिविंग को भी मनी लॉन्ड्री एक्ट भी इसके रिलेटेड है कंपनीज़ एक्ट भी इसके रिलेटेड है इंडियन पिनल कोड में भी ये चीज़ें कवर हुई हैं एंड बेनामी ट्रांजेक्शन जिसमें आप किसी और की प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करते हो वो भी इस एक्ट से रिलेटेड है हमारे सेटअप किए गए हैं लोकपाल लोक लोकायुक्ताज एज पर लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट 2013 ठीक है जो एक्ट करेंगे एज एम्बर्ट्समैन ऑम्बर्समैन कौन से होते हैं वो जो गव गवर्नमेंट नहीं जरूरी नहीं गवर्नमेंट ही हो वो ऑफिशियल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एक चैनल होता है जिसको लोग कॉन्टैक्ट करते हैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई काम हुआ है ऐसा जो लोगों को लगे जिसमें करप्शन हुई है या लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो पहले अप्रोच करेंगे किसको ऑम्बर्ट्समैन को और उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होगी हमारा इसके पास कमीशन है सिविल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है जो ये चीज़ें ओवरलुक करता है अनक्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी इसकी बात हुई थी और सेक्शन वन के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है उसको इंक्रीज किया गया था फिर रिसेंटली हमारे पास सी पी आई आया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसके अकॉर्डिंग डेनमार्क ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक है 93 और स्टेट्स जो सबसे ज्यादा केसेस जहां आते हैं जो मतलब टॉप करती हैं करप्शन में अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा 2022 ट्वेंटी एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र नंबर वन पे है राजस्थान नंबर टू पे है और ये सारा फ्रेमवर्क है इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जो टैकल करता है ये आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कॉम्टोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंटी करप्शन ब्यूरोज अलग अलग स्टेट्स के जुडिशियरी विजिलेंस डिपार्टमेंट स्टेट के स्टेट लेवल लोक आयुक्ताज एंड आपके डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बैंकिंग सेक्टर ऑम्बर्ट्समैन एंड आपके कंज्यूमर फोरम्स ये सारी चीजें जो है वो ओवरलुक करती हैं करप्शन को आपकी कंट्री में ठीक है तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है यूनिट फोर नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट फाइव स्टार्ट करेंगे तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक टेक हैव ए ग्रेट डे